हाथी जमीन पे चलता है, बहुत बड़ा है, जो मछली वो तैरती है। तो अगर हाथी सोचे कि मैं तो तभी अच्छा होऊंगा जब मैं तैरना सीख जाऊं, या मछली सोचे मैं तब अच्छी होंगी जब मैं हाथी जैसी स्ट्रांग हो जाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल। हम किसी और की तरह बन ही नहीं सकते, तो क्यों उस रेस का हिस्सा बने? नमस्कार दोस्तों, बोल हरियाणा की खास सीरीज अ परफेक्ट स्ट्रेंजर के 7वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत खास जाने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं वो खुद भी बहुत खास हैं, जिनका नाम आशीष गुप्ता है। पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं, कई सालों से स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और सिर्फ खुद ही नहीं जी रहे बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी भी वो बदल रहे हैं, हर रोज फ्री मेडिटेशन क्लासेस देकर। आइए दोस्तों उनके बारे में और जानते हैं और उनसे करते हैं ढेर सारी बातचीत। आशीष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज में अ परफेक्ट स्ट्रेंजर। थैंक यू आशीष भाई, कुछ बातें मैंने आपके बारे में बताई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में ऐसी बातें बताइए बताएं जो मैं नहीं बता पाया। आई एम अ सोल जिसे खुश रहना और खुशी बांटना बहुत पसंद है। जीवन में एक मकसद है कि कैसे मैं अपने आप को और संवार सकूं अंदर से, क्या मैं अपने लिए क्या ऐसा करूं जिससे कि मुझे हर किसी के अंदर वो खूबसूरती नज़र आए, और वही उसी रास्ते पे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दुनिया है वो मुझे खूबसूरत नज़र आए। हर किसी के अंदर वो खूबसूरती है, बस उस नज़रिए को अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशीष भाई, आपने लाइफ का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ कि लाइफ है क्या, मतलब हमें पता है कि हम जी रहे हैं, ठीक है, हाँ हम, लेकिन लाइफ है क्या, आपकी नज़र में क्या है लाइफ? जब मैं लाइफ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक गज़ल याद आती है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, रास्ते मुश्किल ही सही पर हौसले अगर बुलंद तो मंजिल फिर दूर नहीं। तो लाइफ मेरी नज़रों में एक खूबसूरत यात्रा है, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी जिसका हमें सिर्फ आनंद लेना सीखना है। हम जैसे कहते हैं कि जो ज़िंदगी है वो एक खेल की तरह है, अगर हमें कोई खेल खेलना आता है तो हम उस खेल को बहुत एंजॉय कर सकते हैं, पर अगर खेल खेलना नहीं आता तो वही खेल कहीं ना कहीं एक टेंशन और स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो ये जो ज़िंदगी है, अगर इसको हमें जीना आ जाए, इस यात्रा पर चलना आ जाए, तो इससे खूबसूरत चीज़ कोई और नहीं। आशीष भाई, हमने ज़िंदगी की बात की, आपने बताया कि हमें जीना आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कोई सीक्रेट बताएं, अगर कोई सीक्रेट है कि जिससे हम खुश रह सकें और मतलब हमें गुस्सा ना आए, सुखी रह सकें बेसिकली, तो खुश रहने का क्या सीक्रेट है? खुश रहने का सीक्रेट, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो सीक्रेट टू हैप्पीनेस। हमेशा किसी ना किसी दुख के पीछे कोई ना कोई कारण या एक सीक्रेट होता है। अगर हमारे पास कोई दुखी रहने का कारण नहीं है ना, तो इसका मतलब इन आर नेचुरल स्टेट हम लोग हैप्पी हैं, खुशहाल हैं और शांत हैं। अगर लाइफ में कुछ ऐसा होता है, कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई ऐसा एक सीक्रेट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। सो देर इज़ ऑलवेज अ सीक्रेट टू सोरो, बट देर इज़ नो सीक्रेट टू हैप्पीनेस, इट्स अ नेचुरल स्टेट ऑफ अ बींग। अब अगर हम उस फॉर्मूला की बात करें कि कैसे वो हम दुख ना लें, वो परेशानी ना लें, तो अगर उसका फॉर्मूला मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम अपने आप को सही पहचान लें कि मैं हूँ कौन, तो शायद चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाएं। जैसे अगर मैं ये सोचूं कि एक बच्चा है, उसको जब वो पैदा हुआ उसके एक महीने के बाद या 6 महीने के बाद कहीं जाकर उसको उसका नाम दिया जाता है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे स्कूल में आगे बढ़ता है, क्वालिफिकेशन हासिल करता है, प्रोफेशन, एक अच्छे प्रोफेशन में जाता है, एंड देन थिंग्स ग्रो फ्रॉम देयर। अब होता क्या है, कहीं ना कहीं वो जो एक प्योर जो एक सोल थी जिसने जन्म लिया, उसके अराउंड लेयर्स चढ़ने लग गई। अगर हम लेयर्स की बात करें तो नेम हो गया, नेशनैलिटी हो गया, रिलीजन हो गया, प्रोफेशन हो गया, और क्या क्या ना जाने। अब जैसे अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, जहां से मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, तो ये अक्सर सुनने में आया करता था
कि अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ये जमादार बन जाओगे। अब बच्चे की नज़र में क्या जाएगा कि जो लोग उस प्रोफेशन में हैं वो किसी काम के नहीं हैं। हमने उसको उन नज़रों से देखना शुरू कर दिया। अपने आप को भी हमने वही समझा कि मैं इस प्रोफेशन का हूँ तो ये मेरी पहचान। जैसे कि अगर मैं अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ तो दो चीज़ें हैं जो मैं सोच सकता हूँ, दो तरीके से। एक है कि मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और दूसरा ये हो सकता है आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब दोनों की चीज़, दोनों ही कॉन्शियसनेस में बहुत भारी अंतर है। अब मुझे समझ में आया आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और सिर्फ एक यही रोल नहीं, जब मैं घर पर आता हूँ सो माई रोल इज़ ऑफ अ हस्बैंड। मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, व्हेन आई एम विद देम तो तब मेरा रोल है एक बेटे का, ऐसे ही किसी और के साथ मेरा एक भाई का, एक फ्रेंड का। तो आप देख सकते हैं कि एक एक इंसान कितने रोल परफॉर्म कर रहा है। अब अगर मैं अपने आप को वो रोल समझने लग जाऊं तो वहां पे हम बोलते हैं कि इट्स एन आइडेंटिटी क्राइसिस, कि मैं अपनी पहचान भूल गया। मूवी है, शाहरुख खान है, शाहरुख खान एक रोल परफॉर्म करता है डॉन का। अब अगर वो ये कहे कि मैं डॉन हूं और वो ये भूल जाए कि मैं शाहरुख खान हूं, तो आप समझ सकते हैं ना कि कितना मुश्किल हो जाएगा। और शायद वो अगर कोई और मूवी भी परफॉर्म करेगा ये सोच के कि मैं डॉन हूं तो वो राज का किरदार कैसे निभाएगा ना। तो उसी तरीके से हमें भी जानना है कि वो रोल है और मैं सोल हूँ। सो सोल कॉन्शियसनेस वर्सेस रोल कॉन्शियसनेस, इसके बीच में जब अंतर हमें समझ में आ जाए तो लाइफ में कोई गम नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, क्योंकि अदरवाइज कॉम्पिटिशन कम्स इन टू पिक्चर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अराउंड जो लेयर्स हैं ना वो इतनी खूबसूरत नहीं जितनी उसकी लेयर्स हैं, क्योंकि हर एक की लेयर्स अलग अलग होंगी। और जब मुझे किसी और की खूबसूरत नज़र आएगी तो मुझे लगेगा कि मैं वैसा बन जाऊं, और जैसे लाइफ में कंपटीशन आया वैसे निराशा साथ साथ, लाइफ का जो जीने का जो मकसद है ना वो ख़त्म हो जाता है वहीं पर। बिल्कुल भाई, आपने जो बात कही बहुत ही सुंदर बात कही और मेरे दिल को छू गई कि हमें ये मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं और हम क्या रोल निभा रहे हैं, हम कौन हैं और रोल क्या है, ये दो चीज़ें हैं। लेकिन हम अक्सर ये सोचते हैं जो हम रोल निभा रहे हैं वो हम हैं। तो बहुत बहुत सुंदर आपने बात कही, और साथ ही आपने बात की कि कंपटीशन का आपने जिक्र किया, तो कंपटीशन के बारे में मैं थोड़ा और डीपली चाहता हूँ कि आप इसे टच करें। मुझे लगता है कि जो ये ज़िंदगी है बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम परफेक्ट है, सब खुश है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हम एक कंपटीशन में हैं, हम रेस में हैं, हम रेस का हिस्सा हैं, चाहे वो हम हैं या फिर हम किसी और को देख रहे हैं कि वो रेस में है। तो क्या मतलब इस रेस में बने रहना, इस कंपटीशन में बने रहना कितना ज़रूरी है, और मतलब ये क्या है? आपने सुना है लाइफ इज अ कंपटीशन? जी, आप मानते हैं उसको? मेरा मानना ये है कि अगर आपका कंपटीशन किसी के साथ है तो वो सिर्फ एक इंसान के साथ है और वो आप खुद हैं। अगर आप आज इस लेवल पे हैं और कल आप और बेहतर हो रहे हैं तो मेरी नज़रों में वो एक कंपटीशन है, क्योंकि आप ही अपना अपना कल सुधार रहे हैं या फिर अपना कल बिगाड़ रहे हैं, उसका कारण आप खुद ही हैं, मेरा ये मानना है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन जो आज चल रहा है और बहुत कॉमन है हमारे आसपास, या हम खुद हम देख सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं कि हर एक इंसान कंपटीशन में भाग रहा है कि इसके पास ये गाड़ी है, उसके पास इतना बड़ा घर है, उसके पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो ये हो क्या रहा है और ये कितना ज़रूरी है, इससे बाहर कैसे निकला जाए, क्या ये होना चाहिए, आप इस बारे में मुझे बताएं, मैं चाहता हूँ मतलब ये है क्या। चलिए देखिए, हम जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जी, अब यहाँ पे कहीं पे भी आप घूमने जाएंगे तो बहुत लंबी ड्राइव्स होती हैं, ड्राइव पे निकले इतना खूबसूरत प्रकृति है यहाँ पे हरी भरी जी। आप उसको देखते हुए जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं गाड़ी में, आप प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। साथ में एक और कार आती है और आपके मन में एक थॉट आता है कि लेट्स रेस, और आप सोचते हैं कि चलिए हम रेस लगाते हैं उस कार के साथ। आप रेस लगा रहे हो
हो सकता है कि आपकी शायद गाड़ी 10 साल पुरानी है, उसकी ब्रांड न्यू है, तो उसको वैसे कम्पीट करना वैसे भी मुश्किल, पर आप सोचते हो कि नहीं, आई हैव टू विन दिस रेस। आप ही ने एक थॉट क्रिएट किया कि लेट्स रेस, और फिर आप ही ने डिसाइड किया कि आई हैव टू विन द रेस। तो आप देखा, कॉम्पिटिशन की शुरुआत अंदर से हुई, किसी ने आपको नहीं कहा कि आप कम्पीट करें, बट ये आपने सोचा कि आई हैव टू कम्पीट विद द अदर कार। अब जैसे ही आपने रेस शुरू की, तो सबसे पहले आप म्यूजिक का वॉल्यूम डाउन करेंगे, फैमिली वाले आपसे कुछ बात करना चाहेंगे तो आप कहेंगे अभी प्लीज अभी आप शांत रहे, हम बाद में बात करते हैं, कि मेरा पूरा फोकस इस रेस के ऊपर है, इसको जीतना है। शायद खाने की बात होगी, कोई भी चीज होगी, आप उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आप इवन नेचर का जो आप आनंद ले रहे थे उसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस होगा कि मुझे उस गाड़ी से आगे निकलना है। अब आप देख रहे हैं कि उस कॉम्पिटिशन की भावना आने से पहले जितना मैं उस जर्नी को एंजॉय कर रहा था, अब वो सारा एंजॉयमेंट खत्म हो गया एक थॉट के आते ही कि लेट्स रेस, लेट्स कम्पीट। लाइफ सेम, हमने जैसे ही सोचा कि आई हैव टू कम्पीट विद दैट अदर पर्सन, आप समझ लेना कि उसी टाइम निराशा हाथ लग जाएगी। तो जैसे हमने बोला ना, लाइफ इज अ जर्नी, तो उस जर्नी पे गाड़ियां जा रही थी, ऐसी लाइफ पे मैं चल रहा हूँ, चाहे हमारे रिश्तेदार हों चाहे घर वाले हों। आजकल कंपटीशन हर एक के अंदर आ गया है, कहीं ना कहीं भाई भाई के बीच में कंपटीशन कि मुझे उससे बेहतर करना है, उससे अच्छा करना है, वो सब चलता है, और उसकी वजह से लाइफ के अंदर स्ट्रेस और टेंशन आना जैसे कि एक नेचुरल हो गया। तो अब हमें समझना है कि मैं कौन हूँ। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि एवरी पर्सन हियर इज़ यूनिक, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है, इवन कोई इक्वल भी नहीं है, हर कोई यूनिक है। एक दिन मैं फेसबुक पे चेक कर रहा था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी जिसमें यह था कि एक हाथी है और एक मछली है। अब वो दोनों अगर आपस में कम्पीट करना चाहें कि कौन किससे अच्छा है, तो कैसे प्रूव होगा, क्योंकि दोनों बहुत ही अलग हैं। हाथी ज़मीन पर चलता है, बहुत बड़ा है, जो मछली वो तैरती है। तो अगर हाथी सोचे कि मैं तो तभी अच्छा होंगे जब मैं तैरना सीख जाऊँ, या मछली सोचे मैं तब अच्छी होंगी जब मैं हाथी जैसी स्ट्रांग हो जाऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल। हम किसी और की तरह बन ही नहीं सकते, तो क्यों उस रेस का हिस्सा बने, क्यों अपनी सुख और शांति के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। बट अगेन, ये चीज़ तब आएगी जब मुझे समझ में आएगा हु एम आई एम नॉट दोज लेयर्स जहाँ पे हम अपनी पहचान ढूंढते हैं। जैसे ही हमें असली पहचान हमें मिलेगी कि मैं हूँ कौन और मैं क्या रोल्स परफॉर्म कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन स्टॉप्स एंड वी स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद अदर्स। तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें कॉम्पिटिशन से कोऑपरेशन की तरफ लेके जाती है, लाइफ अपने आप खूबसूरत हो जाती है। जस्ट वन थॉट अवे, नॉट अ बिग डील। जी आशीष भाई, आपने लाइफ की बात की, तो लाइफ से जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो है रिलेशनशिप। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में हैं और हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छा बोल रहे हैं, और जितनी भी हेल्प कर सकते हैं हम सामने वाले इंसान की हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कारणों की वजह से सामने से हमेशा नेगेटिव फीडबैक आता है, या फिर हम चाहते हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, वर्कआउट हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता। तो ऐसा क्या करें कि सब कुछ वर्कआउट भी हो जाए, सब कुछ सही रहे, और जो दोनों साइड से एक पॉजिटिव जो कम्युनिकेशन हो वो रहे, ऐसा क्या किया जाए? आपने बात की एक रिलेशनशिप में कि आप अच्छे से बात भी कर रहे हैं और उनकी आप ऑन फिजिकल लेवल हेल्प भी कर रहे हैं, पर हमने ये बात नहीं की कि क्या हम उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में द क्वालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इज डिफाइंड बाय द वेरी फर्स्ट थॉट दैट कम्स इनटू माय माइंड व्हेन आई थिंक अबाउट दैट पर्सन, व्हेन आई हियर अबाउट दैट पर्सन, व्हेन आई सी दैट पर्सन। तो वो जो पहला थॉट आता है, उसकी जो क्वालिटी है वो डिफाइन करती है कि मेरा उनके साथ रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या है। किसी ने नाम लिया उनका और मेरे मन में कुछ कुछ ख्याल आए, तो इसका मतलब जो कि अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब ये कि उनके साथ मेरा रिश्ता एटलीस्ट मेरे एंड से अच्छा नहीं है। तो हमेशा हमें अपने रिश्तों की जो पहचान है वो सोच से करनी है कि क्या मैं उनके लिए अच्छा सोचता हूँ, और अगर मैं उनके लिए अच्छा नहीं सोचता तो विच मीन्स आई हैव टू इम्प्रूव, नॉट देम। तो मुझे अपनी सोच को सुधारना है, और जैसे ही मेरी सोच सुधरेगी उनके प्रति, वैसे ही वो रिश्ता भी सुधरने लगेगा।
तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है कि जो रिश्ते बनते हैं वो सोच से बनते हैं, और दूसरा है वो सोचने वाला मैं, ना कि वो। तो उस रिश्ते को ठीक करना और बिगाड़ना 100% इज़ इन माई कंट्रोल। कितनी बार हम सुनते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, वही ऐसे हैं, उन्हीं की वजह से रिश्ता ख़राब है। पर मैंने स्पिरिचुअलिटी से सीखा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं, द ओनली आई इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हील अ रिलेशनशिप और टू डिस्ट्रॉय अ रिलेशनशिप, तो मेरे हाथ में है। अब आप एक एग्जाम्पल लेके देखें कि मान लीजिए संडे को हमारे घर में कोई आता है और मंडे को जॉब है, अब वो बिन बुलाए मेहमान जिनको हम कहते हैं, ऐसे कोई आ गया, अब आगे उनको क्या करें? तो उनको फिर ऑफ़र किया जाता है कि अच्छा आप चाय पियेंगे। एक्चुअली वो चाय पिलाना एक तरह से इंडिकेशन होता है कि आप जाएं, पर हम उनसे पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे, और वो भी कहते हैं हाँ ज़रूर पियेंगे, तो चाय पीते हैं, फिर भी वो बैठे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम सोचते हैं तो गए नहीं, फिर सोचते हैं कि चलो खाना ऑफ़र करके देखते हैं, शायद समझ जाए, तो पूछ लेते हैं खाना बना लें, तो कहते हैं हाँ जी ज़रूर बनाएं, तो फिर भी बैठे रहे, खाना भी खा लिया, उसके बाद फिर भी बैठे हुए हैं। और आप ये देखो कि अंदर क्या चलता जा रहा है, अंदर कुछ ना कुछ चलता जा रहा है हमारे ना। और उसके बाद फिर हम फिर से बोलते हैं कि चलो खाने के बाद चाय फिर से पी लेते हैं, वो कहते हैं हाँ जी ज़रूर। तो ये सब चीज़ें चलती जा रही हैं, और हमने उनको दो बार चाय भी ऑफ़र कर दी, खाना भी ऑफ़र कर दिया, शायद जाते हुए दरवाजे पे उनको कह भी देंगे कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर से मिलेंगे, फिर से मिलने का प्लान बनाएंगे, और उसके बाद वो चले जाते हैं। अब आप ये देखिए कि हमने उनसे कितने मिठास से बात की और उनके लिए कितना कुछ किया, पर हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमने उनके बारे में सोचा क्या। अंदर और बाहर दो अलग अलग चीज़ें, अंदर हमारे अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर हम बहुत उसको कवर अप कर रहे हैं, तो क्या वो रिश्ता स्ट्रांग होगा? मेरी समझ में तो नहीं, क्योंकि मेरी समझ ये कहती है कि एक रिश्ते की जो बुनियाद है वो है एक सही सोच, कि मेरे उस व्यक्ति के प्रति सही सोच है या नहीं, और अगर नहीं है तो वो रिश्ते का मजबूत होना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे ये तो हमारे साथ बहुत ही बार होता है कि कहीं पे भी अगर किसी ने कहीं जाना है, किसी से मिलना है, और वो लेट हो रहे हैं, लेट उठे तो लेट पहुंच रहे हैं, फ़ोन आया रास्ते में, तो उनसे कहा जाता है कि अब कहाँ हो, उनसे पूछा जाता है फ़ोन करके कहाँ हो, तो वो कहते हैं बस दो मिनट और, दो मिनट में पहुँच रहे हैं, शायद पहुँचने में एक घंटा लग जाए, पर एंड में जाके कह देंगे कि ट्रैफिक बहुत था, ये बहुत था, तो इस वजह से हम टाइम पर नहीं पहुँचे। तो आप देखें हम उनको सच भी नहीं कह पा रहे हैं, एक झूठ के बुनियाद पर रिश्ता कायम है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि उनको अगर हमने सच बता दिया कि हम लेट उठे थे तो उनको कहीं बुरा ना लग जाए। जो घर में आए थे, अगर हमने उनको कह दिया आज हम बिज़ी हैं, डिनर पे हम अगले वीकेंड मिलेंगे, तो हमें लगता है कि रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो सच्चाई है, ऑनेस्टी है रिलेशनशिप में, वो ख़त्म होती जा रही है। और जो हम बोलते हैं कि हर एक रिश्ते की जो बुनियाद है वो ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है, अगर हम ऑनेस्ट नहीं हैं तो रिलेशनशिप कैसे टिकेगा? तो इसलिए वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन आर रिलेशनशिप, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सामने वाले को अलाउ करें कि वो हमारे साथ ऑनेस्ट रहे। विच मीन्स कि अगर आप मुझे कहते हैं कि मैंने आपको एक काम कहा और आप वो नहीं कर सकते, तो आप मुझे ऑनेस्टली कह सकते हैं कि आज मैं बिज़ी हूँ और आज मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, आपने ऑनेस्टली कहा, और आई शुड हैव द पावर टू टेक नो एज एन आंसर। और जब मैं स्टेबल रहूँगा आपके नो सुनने के बाद, इट विल गिव यू अ मोटिवेशन कि आप हर बार मेरे से सच्चाई से बात करें। पर अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ, मैंने बुरा मान लिया, तो आप अगली बार मुझसे सच्चाई से बात नहीं करेंगे, आप हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू बी ऑनेस्ट इन अ रिलेशनशिप, विच मीन्स आई शुड हैव द पावर टू अलाउ अदर्स टू बी ऑनेस्ट विद मी, एंड द सेकेंड थिंग इज़ आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद अदर्स, एंड दैट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ, an internal strength, and that comes from meditation, that comes from spirituality, ki where I'm not affected or influenced by someone else or some other situation, and that's the power I have to build to heal a relationship. बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत sensitive मुद्दों को आपने इस बात के दौरान आपने छुआ है, बहुत बहुत ही बेहद सुंदर आपने बात कही कि हम ये तो सोचते हैं कि हम दूसरे इंसान की मदद कर रहे हैं, लेकिन
हम ये नहीं सोचते कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, और जो मुसीबत की जड़ होती है वो यही होती है। तो बहुत बहुत सुंदर आपने संदेश दिया भाई। आपने बिजी रहने की बात की बीच में, तो आज के समय में इस बात में कोई दो राय है ही नहीं कि हम सभी बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, सुबह से लेकर रात तक बहुत बिजी हैं। तो इस टाइम में, इस भौतिकवादी युग में, हम किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को अपना सकते हैं? हम बिजी हैं लेकिन हमें इजी तरीका चाहिए स्पिरिचुअलिटी को अपनाने का या फिर मेडिटेशन करने का। तो ये बिजी और इजी को आप थोड़ा सा और टच करें कि क्या है। तो आप ये कहना चाहते हैं इजी मेडिटेशन फॉर बिजी पीपल? बिल्कुल। जो लोग बिजी होते हैं वो किस चीज़ में बिजी हैं, और जो लोग इजी होते हैं वो किस चीज़ में इजी हैं? अगर हम इन दोनों पहलुओं को समझें तो ये समझ में आता है कि जो बिजी है ना, दैट इज़ नॉट समथिंग एक्सटर्नल, समथिंग आउटसाइड। बिजी एंड ईजी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। कोई कुछ ना करते हुए भी बिजी रह सकता है। आज किसी आप रिटायर्ड पर्सन को भी फ़ोन कर लो, वो भी कहेंगे हम तो बिजी हैं। आप किसी बच्चे से पूछो, बच्चे भी आके कहते हैं मम्मा आई एम वेरी बिजी, डोंट असाइन दिस टास्क टू मी, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या वो बिजी हैं? कोई हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो बाहर, बट वो यहाँ से एकदम ईजी हो। तो जो ईजी और बिजी है, ये जो दोनों शब्द हैं, इट्स अ स्टेट ऑफ आवर माइंड, इट हैज़ नथिंग टू डू व्हाट वी डू आउटसाइड। अब अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं टाइम निकालना चाहिए खुद के लिए। 15 मिनट निकालें, 30 मिनट निकालें, पर उनको हर एक को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। और जो लोग बिजी हैं तो उनको तो डबल टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि उनको तो उस एनर्जी को यूज़ करना है इतने सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मुझे एक बात याद आती है, मैंने कहानी सुनी थी बचपन में कि एक बार एक लकड़हारा होता है, वो लकड़ियाँ काट रहा होता है, और उसको बहुत 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 टाइम लगता है लकड़ियाँ काटने में ना, पूरा पूरा दिन लग जाता है, और वो कहता है मैं अच्छे से कमा ही नहीं पा रहा हूँ। फिर उससे कहा जाता है कि तुम अपने वो जो एक्स है उसको शार्प कर लो ताकि लकड़ियाँ कट जाएँ। वो कहता है उसको शार्प करने का टाइम किसके पास है? अब आप सोच के देखें कि अगर वो उसको धार को तेज़ कर लेगा तो लकड़ियाँ जल्दी कटेंगी और टाइम बचेगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम आजकल हर एक काम एक थके हुए मन से कर रहे हैं, और फिर कोई कहता है कि आप मेडिटेशन कर लें, अपने आप को टाइम दें, तो कहते हैं कि टाइम किसके पास है। तो अब हमें ये समझना है कि अगर हम हर एक काम थके हुए मन से करते हैं तो हमें हर एक काम को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, वेस्ट थॉट्स बहुत चलेंगे। और उसी मन को अगर हमने सुबह चार्ज कर लिया और उस फुल बैटरी के साथ अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो काम बहुत अच्छे से होगा, बहुत जल्दी होगा, बल्कि टाइम उल्टा बचा करेगा हमारे पास। बट यस, इनिशियली हमें अपने आप को कमिट करना पड़ेगा एक डिटरमाइंड थॉट के साथ कि मुझे ये करना है, मुझे अपने आप को एक ये टाइम देना है। और ये जो चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपने साथ की, मुझे भी पहले लगता था कि मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये सब कर सकूँ। बट एक दिन इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन एल्स, मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ पे काम करके देखूँ, अपने आप पे काम करके देखूँ, देखते हैं रिजल्ट क्या है। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी इन मेडिटेशन, कि जहाँ पे मैंने अपने आप को टाइम दिया, सुबह अपने मन को चार्ज किया, लाइक वी चार्ज आर मोबाइल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सो वी शुड चार्ज आर माइंड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग थ्रू मेडिटेशन, एंड व्हेन द माइंड गेट्स चार्ज्ड लाइफ बिकम्स ईजी नॉट बिजी। तो बिजी शब्द लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाता है। अब कोई भी अगर हमसे पूछता है कि आप बिजी हैं, तो स्ट्रेट आंसर आता है नो आई हैव टाइम फॉर यू, क्योंकि मेडिटेशन सेव्स टाइम इन माय लाइफ। हम खुद को भी 10-15 मिनट तो दे ही सकते हैं सुबह उठ के अगर हम मेडिटेशन करें तो, मतलब, और फिर हम डिफरेंस फील कर सकते हैं इसमें कि मतलब बहुत दुनिया, मतलब दुनिया भी बदल जाती है हमारी अगर हम मेडिटेशन शुरू कर दें सिर्फ 5-10-15 मिनट के लिए। अब आप ये देखिए इसी चीज़ से कि अगर हमने अपनी चार्जिंग नहीं की, तो हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, आप उसी में देख लीजिए कि आज कोई एक अच्छा रिलेशनशिप है ना, उसको अगर अच्छा भी रखना है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। जो तो रिलेशनशिप ख़राब हो गया उसको ठीक करना तो कितना पहाड़ लगता है, पर एक अच्छे रिलेशनशिप को अच्छा रखना बहुत मेहनत है, हाई मेंटेनेंस हो गया आजकल सब चीज़ें ना। तो आप देख सकते हैं कि वो मेहनत तब लगती है जब
बैटरी है ना वो कम हो रही हो, वो चार्ज ना हो, हमारी इंटरनल बैटरी अगर डिप्लीटेड है, हमें हर एक टास्क को करने में मेहनत ज़्यादा लगेगी और उसका जो रिज़ल्ट है ना वो कम मिलेगा। तो आज हम देख सकते हैं हम अपने रिश्तों पे कितनी मेहनत करते हैं और उसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने है। ट्राई डिफरेंट मेथड, हम मेडिटेशन करें और फिर देखें कि कैसे मेरे जो रिश्ते हैं ना वो कितने खूबसूरत हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनली बैटरी इज चार्ज, मेहनत कम और फल ज़्यादा। आशीष भाई, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेडिटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस, रिलीजन और स्पिरिचुअल, इन दो शब्दों को मतलब बहुत कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों के मन में कि बीइंग रिलीजियस क्या चीज़ है और बीइंग स्पिरिचुअल क्या चीज़ है। आप थोड़ा इस पर लाइट डालें कि इन दोनों क्या ये अलग अलग हैं या एक चीज़ है। आप बात कर रहे हैं कि रिलीजन क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है और दोनों में क्या कोई अंतर। मेरा ऐसा मानना है कि रिलीजन इज अबाउट फॉलोइंग अ मैसेंजर एंड स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट फॉलोइंग अ मैसेज। कि जब हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं धर्मों में हम किसी ना किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, पर स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़े हैं उसने मैसेज क्या दिया है, हमें उसके साथ जुड़ना है। कितने लोग पूछते हैं आप भगवान को मानते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि भगवान को मानना इज रिलीजन, भगवान की मानना इज स्पिरिचुअलिटी। अब आप देखिए कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई एक खत लिखा और वो एक पोस्टमैन वो खत लेकर मेरे पास आया, मैंने क्या किया, उस खत को तो एक साइड में रख दिया, उस लेटर को एक साइड में रख दिया और उस पोस्टमैन से मैंने रिलेशनशिप अपना बिल्ड करना शुरू कर दिया और उस पोस्टमैन को मैंने बोला बहुत अच्छे हैं, बहुत ये हैं, बहुत वो हैं, बहुत महान हैं कि आपने ये मैसेज मेरे लिए लेके आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे पेरेंट्स का मैसेज लेके आए, विच इज़ ओके। बट देन उसका मकसद क्या था, मेन चीज़ वहाँ पे क्या थी कि वो लेटर में ओपन करके देखूँ कि वो मैसेज क्या था, लेटर में लिखा क्या था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा क्या। उसी तरीके से वहाँ से जो मैसेज आया परमात्मा से, वो थ्रू कुछ मैसेंजर्स के थ्रू आया जिसको हमने पोस्टमैन कह दिया। अब हमने क्या किया, अपने रिलेशनशिप को उनके साथ स्ट्रॉन्ग कर लिया, बट वो जो मैसेज आया था कहीं ना कहीं वो उसमें खो गया और हम स्पिरिचुअलिटी से दूर होते चले गए। और स्पिरिचुअलिटी से दूर होना माना खुद से दूर होना, तो ये अंतर हुआ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। बहुत सही बात आपने यहाँ पे कही कि पोस्टमैन पे हमने ज़्यादा जोर दे दिया कि, लेकिन हमने वो मैसेज तो समझा ही नहीं जो वो पोस्टमैन लेकर आया था। एंड अगेन हर एक एरिया का पोस्टमैन भी अलग अलग है ना, एक ही पोस्टमैन सभी एरियाज को कवर नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे भी नहीं रुकी, उसके बाद मैंने बोला मेरा पोस्टमैन सबसे अच्छा है, उसने बोला उनका पोस्टमैन सबसे अच्छा है, कहीं ना कहीं हम डिवाइड हो गए। स्पिरिचुअलिटी हमें यूनाइट करती है क्योंकि सबके पास शायद मैसेज एक ही गया था, पोस्टमैन अलग अलग थे, तो अगर हम मैसेज को पढ़ते तो आज हम सब एक परिवार होते, और वो नहीं है तो क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उन पोस्टमैन पे फोकस ज़्यादा किया और मैसेज पे कम। जी, और पोस्टमैन ये कह इस बात पे इतना जोर दिया गया कि मेरा पोस्टमैन सही है, उसके लिए लोग लड़ भी रहे हैं, और मैसेज जो है जो वो मैसेज पोस्ट वही पोस्टमैन लेके आया है उसे कोई देख नहीं रहा। उस मैसेज में लिखा है कि लड़ना नहीं चाहिए। हाँ जी, लेकिन सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मेरा पोस्टमैन सही है। बहुत गजब की बात आपने कही भाई। आशीष भाई, हमने बात की स्पिरिचुअलिटी की और रिलीजन की हम बात कर चुके हैं, मेडिटेशन की हम बात कर चुके हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, बहुत स्ट्रगल वो कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल का दौर चल रहा है और लगातार चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब जब सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट हो जाती है तो कुछ लोग सुसाइड करने पे मजबूर भी हो जाते हैं, जो बहुत दुखद है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च की थी जिसके अनुसार दुनिया में 4 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन है या फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तो जो कि बहुत अलार्मिंग है हमारे लिए, और ये जो संख्या है ये लगातार बढ़ रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जब हम स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं
तो हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या ऐसा सोचें कि हम मेहनत ना छोड़ें, मतलब लगे रहें, उम्मीद ना छोड़ें, ऐसा क्या करना चाहिए। स्पिरिचुअल जो दुनिया है उसमें से एक संदेश आप ऐसा दें, या फिर एक बात बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले मेरे काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप जिसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और जब उसमें प्रॉब्लम आई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है और आई एम ऑफ नो यूज़ एंड मेरी जो ज़िंदगी है वो भी किसी काम की नहीं, और बहुत ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लग गए थे। थ्रू दिस नॉलेज मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ें चल क्यों रही हैं। मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा भी फोकस में नहीं लेके आऊँगा अपने। मैंने ये कोशिश की कि क्यों ना उस दौरान मैं कुछ ऐसा काम करूँ समाज के लिए, दुनिया के लिए, औरों के लिए कुछ अच्छा, जिसको हम बोल लेते हैं एक सेवा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस सेवा पर ध्यान दिया जाए और लोगों के लिए कुछ किया जाए उस समय, क्योंकि अब मैं समझ सकता था कि जो लोग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स में हैं उनके ऊपर क्या बीतती है। मैं भी सेम दौर से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद सेवा के थ्रू मुझे ब्लेसिंग्स मिले, शायद मुझे वो शक्ति मिले जिससे कि मैं अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकूं। तो उससे दो फायदे हुए, एक तो औरों के लिए अच्छा रहा सेवा करना, और दूसरा ये हुआ कि जिसके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी उसके लिए मैं बुरा बहुत कम सोच रहा था, क्योंकि मैंने एक कोशिश की कि क्यों ना एक पॉजिटिविटी को लाइफ में लेके आया जाए थ्रू एनी मीडियम। मैंने वो मीडियम चूज़ किया टू सर्व द कम्युनिटी, और वो मीडियम ने एज इफ की एक जैसे मैजिक लिया मेरी लाइफ में। जब मैं वो करता रहा तो मेरे मन की जो स्थिति है ना वो ठीक होती चली गई, और क्योंकि मन जब स्ट्रांग हो गया तो उस रिलेशनशिप को हील करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अगर कहीं ना कहीं मैं सिर्फ उसी रिलेशनशिप के बारे में सोचता रहता तो शायद और डैमेजिंग हो जाता, क्योंकि बहुत ही बुरे बुरे थॉट्स आ रहे थे उस रिलेशनशिप को लेके, उस व्यक्ति को लेके। बट देन दिस थिंग हेल्प मी टू हील अ रिलेशनशिप, और इसने कैसे मदद की, क्योंकि इससे मेरा अंदर एम्पावरमेंट हुआ। तो शायद हम कुछ ना कुछ ऐसा मीडियम चूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारी लाइफ में फिर से वो पॉजिटिविटी का जो साइकिल है ना वो शुरू हो सके। जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती हो उस चीज़ के ऊपर मैं फिर से फोकस करना शुरू करूं, और अगर वो स्व कल्याण या औरों के कल्याण के लिए हो तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिल्कुल मन परेशान हो, किसी के बारे में अच्छा ना लग रहा हो, कितनी बार हम सिर्फ सॉन्ग्स ही सुन लेते हैं वो भी हमारे मूड को चीयर अप कर देते हैं। कितनी बार हम शायद एक बाहर का एक चक्कर लेके आए, नेचर को देख के आए, वो चीज़ हमें फिर से रिजुविनेट कर देती है। हमें ये समझना है कि ये जो सब चीज़ें हैं, चाहे म्यूज़िक सुनना या मनपसंद खाना खाना या घूमना, ये हमें एक वो ब्रेक देता है कि जिससे कि हम उसको ब्रेक कर सकें नेगेटिविटी को। बट ये जो चीज़ें वो हील नहीं करती हैं। हील करने के लिए आई हैव टू गिव दैट पॉजिटिव एनर्जी टू दैट रिलेशनशिप, टू दैट सिचुएशन। एंड अल्टीमेटली फॉर मी इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हम सुसाइड की बात करते हैं, एंड आपने जैसे मेंशन किया 1 in 4 या तो वो डिप्रेशन में हैं या डिप्रेशन के उनके अंदर सिम्टम्स हैं। 1 in 4 का मतलब ये हुआ हर परिवार में से एक। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया की कैसी हालत है। तो अभी मुझे अपने आप को मजबूत करना है ताकि मैं औरों को मजबूत कर सकूं। और जैसा मैं कह रहा था कि फॉर मी इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मैं मेरी नज़रों में मेरी क्या इज्जत है ना। एंड फॉर मी सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम गॉड्स लव, एंड विच आई ट्रूली बिलीव there is nothing in this world that can take away this thing from me. God loves me and nothing and no one can take this away from me. And this very thing helps me to be beautiful, to be always smiling, to be helpful to others. तो ये जो चीज़ है, at least this is my secret, कि जिसकी वजह से मेरी कोई भी मन की स्थितियों में एकदम energized हो जाता हूँ। And God is not a concept, it's about a relationship. तो जब हम परमात्मा के साथ उस रिश्ते को मजबूत करते हैं, वो जो रिलेशनशिप है दैट गिव्स पावर टू द सोल एंड दैट ब्रिंग्स द एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड दैट्स वेयर मैजिक हैपेंस, दैट्स वेयर द लाइफ ट्रांसफॉर्म्स, एंड दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूब।
आशीष भाई, जाते जाते मैं जानना चाहूँगा कि बोल हरियाणा की जो ये सीरीज़ है परफेक्ट स्ट्रेंजर, जिसके द्वारा हम हमारी ये कोशिश रहती है कि हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, और हर एक इंसान मतलब अपने अपनी ज़िंदगी में वो एक हीरो है, उसकी अपनी एक कहानी है, लेकिन वो मूवी रिलीज़ नहीं हुई। ऐसा हमारा मानना है कि हर एक इंसान खास है, ज़रूरी नहीं है कि आप सेलिब्रिटी हैं या फिर आप एक बड़े पॉलिटिशियन हैं तो ही आप खास हैं। और बोल हरियाणा पे हमारा ये मानना है, हम इस बात में बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए इस सीरीज़ को शुरू किया गया था। आपको कैसा लगा इस सीरीज़ का एक हिस्सा बनकर? हर एक इंसान बहुत ख़ास है, ये मेरा बहुत अच्छे से यही मेरा भी मानना है, क्योंकि अगेन जब हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस की, VIPs की, सेलिब्रिटीज़ की, अगेन वो हैं तो सभी रोल्स है ना, परफॉर्म्ड बाय अ सोल। सो ईच ऑफ अस इज़ अ सोल परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट एरियाज, और हर एक का रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है, और मुझे खास बात ये लगती है आपका शो का नाम और परफेक्ट स्ट्रेंजर। आई गेस इस शो का मकसद ये होगा कि कोई भी स्ट्रेंजर ना रहे, सब अपने लगने लगे। और ये जो सीरीज़ है, शायद ये उस एक परिवार वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, वन वर्ल्ड वन फैमिली को एस्टेब्लिश करने के लिए ये जो शो है, ये बहुत ही कामयाबी को हासिल करने वाला है, और यही शो मदद करने वाला है इस दुनिया को एक करने में। इस शो का मकसद यही है, थ्रू अ परफेक्ट स्ट्रेंजर नो वन रिमेन्स अ स्ट्रेंजर इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हर एक व्यक्ति बहुत खास है। आपने समय दिया बोल हरियाणा के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी बहुत सारी बातें इस एपिसोड से लेकर जाएं, और वो सिर्फ आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में आप इसे स्मरण करें, इसे फॉलो करें। अगर जो भी अच्छी बातें आपको लगी हैं इस एपिसोड में से, जो भी निकल के आया, या फिर जो पिछले एपिसोड्स हैं, आप जब तक इसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये सिर्फ बातें बन के रह जाएंगी जो हम नहीं चाहते। बोल हरियाणा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का सहयोग और जो साथ और प्रेम, जो सपोर्ट आप हम लोगों की कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, हम अपना साथ बनाए रहिए, और हम आगे भी आप सभी के लिए बहुत दिलचस्प चीज़ें लेकर आते रहेंगे। जय हरियाणा, बोल हरियाणा, नमस्कार। शांति, मैं आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। खुशी मेरी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है। देर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड सोरो, बट देर इज नो रीजन बिहाइंड हैप्पीनेस। व्हेन देर इज नो रीजन, देर इज नो सोरो, there is only happiness. Happiness is my natural state of being. मेरा हर संकल्प मेरे मन की स्थिति को बनाता है। मेरे मन की स्थिति मेरी जीवन शैली बनाती है, the quality of my life. मेरा हर संकल्प मेरी सृष्टि की रचना करता है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। मेरा हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प मेरी सृष्टि की रचना करता है। मेरे हर संस्कार से मेरा संसार बनता है। मैं सुख स्वरूप आत्मा, स्वयं परमात्मा से जुड़कर उनका प्यार अपने अंदर भरकर स्वयं को शक्तिशाली बनाती हूँ। परमात्मा प्यार हर रिश्ते में भरकर मैं इस जीवन का हर रिश्ता
खूबसूरत बनाती जाती हूँ।